बच्चों, जैसे अगला पॉइंट हमारा है भौतिक विज्ञान में परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। परावैद्युत पदार्थ वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से अचालक पदार्थ ही होता है, जिसे हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चाहे अचालक कह लीजिए, चाहे क्या है, कुछ जगहों पे आपको कुचालक भी जो है शब्द मिलेगा। तो इन शब्दों से जो ज्यादा जो है कि कहने का मतलब एक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे चालक के बारे में आपको बताया गया है कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, ऐसे पदार्थों को हम जो है क्या कहते हैं, चालक। जैसे धातुओं में, सभी धातुएं जो है विद्युत की सुचालक हैं, और धातुओं में जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। यह सुचालक पदार्थ जो होते हैं उनमें आवेश का प्रवाह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, अर्थात चालक पदार्थों में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित होते हैं। पहले से उपस्थित होने के कारण इन चालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लेकिन जो अचालक पदार्थ होते हैं, यहाँ जहाँ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे मैं बता दूं कि कागज है, मोम है, कांच है, अभ्रक है, ये सब पदार्थ जो है अचालक पदार्थ है या परावैद्युत पदार्थ कह लें। तो परावैद्युत पदार्थ जो होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन न उपस्थित होने के कारण यह विद्युत का कुचालक होता है, जो परावैद्युत पदार्थ होता है। किंतु जब हम परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ का जो अणु होता है, जानते हैं आप लोग कि अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो है कि आपको बताया गया है कि धनावेशित नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, लेकिन जब इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए किसी परावैद्युत पदार्थ के अणु को, तो उसका जो धनावेशित केंद्र है, धनावेशित केंद्र है वह बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा ऋणावेशित केंद्र जो है वह कहने का मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है केंद्रित हो जाता है, अर्थात विस्थापित हो जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर एक किनारे पे धनावेश तथा दूसरे किनारे पे जो है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ का जो है ध्रुवण हो जाता है। यह ध्यान में आप रखिएगा कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से पहले वो विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो परावैद्युत पदार्थ के अणु होते हैं उनके धनावेशित केंद्र अर्थात नाभिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक किनारे पे जो है कि विस्थापित हो जाते हैं, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, तथा इलेक्ट्रॉन जो जो ऋणावेशित केंद्र है वह कहने का मतलब यह कि दूसरे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कि परावैद्युत पदार्थ के एक सिरे पे धनावेश तथा दूसरे सिरे पे जो है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है, और परावैद्युत पदार्थ में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा जो है मूल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात यह मूल वैद्युत क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। यह बिंदु आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगला पॉइंट जब हमारा चलेगा इस पे आगे की चर्चा जब होगी तो बार बार परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग जो है होगा, और परावैद्युत पदार्थ के प्रयोग में आपको बताया जाएगा कि परावैद्युत पदार्थ का यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है, और ध्रुवण होने के कारण परावैद्युत पदार्थ में स्वतः ही स्वयं का एक जो है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो मूल वैद्युत क्षेत्र का जो है क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि उसकी दिशा जो है क्या होती है, विपरीत होती है। तो बच्चों ये परावैद्युत पदार्थ का जो है ध्रुवण की चर्चा जो है कैसे होती है हमने बताया आपको। पदार्थ का ध्रुवण किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसकी जो है दी जाती है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न
द्विध्रुव आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण को उस पदार्थ का जो है हम जो है घूर्ण कहते हैं, इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, जहां आपको बताया कि पी बराबर क्या है, काई ई इंटू ई। यह काई है, यह ग्रीक सिंबल है ना, और यह जो है बच्चों वैदिक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, और पी जो है पदार्थ का क्या है, ध्रुवण है, और ई को समझते ही आप वैद्य क्षेत्र है, बताया गया आपको। अब आइए एक नई चीज हम पढ़ते हैं, धारिता। धारिता कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस धारिता जो होती है बच्चों, अब मैं यहाँ आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे अगर हम किसी पदार्थ को उष्मा दें तो उसका ताप धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यदि आप गुब्बारे में हवा मारे, फूंक मारे, तो गुब्बारे का आकार धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से आप समझिएगा कि जब हम किसी चालक पदार्थ को, ये हमारा चालक पदार्थ है, जब हम इसको आवेश देते हैं, आवेश देते हैं, तो इसका विभव भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। समझिएगा आपको, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाएगा तो उसकी किस चीज में वृद्धि होगी, विभव में वृद्धि होने लगती है। या दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि का जो है कि अगर हम देखें अनुपात, तो यह पाया जाता है कि क्यू प्रोपोर्शनली क्या है, बी, अर्थात जितना अधिक आवेश दिया जाएगा उतना ही विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात यह जो है अनुक्रमानुपाती चिन्ह हम हटाते हैं तो क्यू बराबर क्या होगा, सी बी, जहां सी एक नियतांक है जिसे उस चालक पदार्थ की धारिता कहते हैं, और सी बराबर क्या हो गया, क्यू अपान बी। देखिए सी जो है चालक की धारिता है, क्यू दिया गया आवेश है, और बी क्या है, विभव में वृद्धि है, विभव में वृद्धि है बच्चों। तो अगर जो है कि यहाँ से धारिता की परिभाषा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की हम धारिता कहते हैं, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण मात्र जो है देखा जाए तो फैरड होता है, क्या होता है, फैरड। लेकिन यहाँ सूत्र से अगर आप एक मात्रक निकालेंगे तो कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो फैरड होता है, जबकि और जो है क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। बच्चों यहां से देखा जाए तो इसका जो है बीवी सूत्र जो है, यंग की घात -1, यंग की घात -2, टी की घात 4, और एक की घात क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से हम एक फैरड को भी परिभाषित कर सकते हैं, कि अक्सर परिभाषा पूछ देता है कि एक फैरड किसे कहते हैं। तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता जो है 1 फैरड होगी, उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। बहुत आसान सी परिभाषा यहाँ पे बन रही है और आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कोई बिलगित गोली चालक है, उसकी धारिता कैसे निकालेंगे आप। तो बिलगित गोली चालक का मतलब यह है, अभिप्राय, कि इस चालक के समीप अन्यत्र कोई चालक उपस्थित नहीं है, क्योंकि अगर इस चालक को अगर समूह में उपस्थित होगा तो प्रेरक के द्वारा जो है आवेश या वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम यहाँ बिलगित का मतलब आइसोलेटेड जो है इंग्लिश में कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा, बिलगित जो है कि स्फेरिकल जो है कि कंडक्टर है, चालक है। तो इस चालक को जो है के समीप कोई अन्यत्र चालक उपस्थित नहीं है, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, परावैद्युतांक के है। यदि हम इस चालक को क्यू कूलाम आवेश दे रहे हैं तो यह आवेश जो है इस गोली चालक के पूरे पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि समविभव पृष्ठ, अर्थात इस गोली चालक का पृष्ठ जो है वो समविभव पृष्ठ होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, ऐसे पृष्ठ को जो है हम समविभव पृष्ठ कहते हैं।
तो संविभव पृष्ठ जो है यहाँ पे बन रहा है, तो ये संविभव पृष्ठ है और इस पर जो खींची गई है ये क्या है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं जो है उनकी पृष्ठ के लंबवत ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है और पृष्ठ के लंबवत है, अर्थात इस गोली चालक को दिए गए आवेश को गोले के केंद्र पर जो है केंद्रित माना जा सकता है। इस स्थिति में गोली चालक के पृष्ठ पर जो है विभवांतर विभव पर भी बराबर एक बटा फोर पाए एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन क्या होगा ए, जहां ए जो है गोली चालक की जो है कहने का मतलब है कि त्रिज्या है और क्यू जो है गोली चालक को दिया गया आवेश है, के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट आप समझते हैं वायु अथवा निर्वात की विद्युत स्थिरता है और भी जो है गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। जब गोली चालक के पृष्ठ पर आपने वैद्युत विभव निकाल लिया तो थोड़ी सी भूमिका इसकी तो लिखनी पड़ेगी, इसमें कुछ भूमिका में कुछ कठिन नहीं है, देख लीजिए आसानी से जो हमने आपको मतलब इस बीच में बताया वही चीज जो है लिखी गई है कि हमने मान लिया है पहले मान लिया कि एक विद्युत गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है ए है और एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है के, चालक को जब क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है तो ये पूरा आवेश जो है चालक पर एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और इसका पृष्ठ जो है एक संविभव पृष्ठ होगा वितरित हो जाता है तो तथा इस पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं हमने अभी बताया कि पृष्ठ के लंबवत होंगे और केंद्र से आती हुई क्या होंगे प्रतीत होंगे, अर्थात गोले के को दिए गए आवेश को गोली चालक को दिए गए आवेश को गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। इस स्थिति में जब यह आपकी भूमिका बन गई तो आपने विभव निकाल लिया और इसके बाद धारिता की परिभाषा से दिए गए आवेश और विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। आप बी की जगह पर रख दीजिए, क्यू से क्यू निरस्त हो जाएगा या सी बराबर आपका हो जाएगा फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, यह सी बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए जो है यहाँ से जो है क्लियर हो जाता है कि यह जो है परावैद्युत माध्यम में इस गोली विद्युत गोली चालक की यह धारिता का सूत्र हो गया। यदि हमारा यह विद्युत गोली चालक जो है कि वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तब आप जानते हैं कि के बराबर परावैद्युतांक के बराबर क्या होता है वन। इस स्थिति में बच्चों तब हम जो है कि विलगित गोली चालक की धारिता को सी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी नॉट बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यदि दोनों समीकरण में हम इसमें से भाग दे दें तो सी अपॉन सी नॉट बराबर क्या होगा के, अर्थात कहने का मतलब यह है कि परावैद्युत माध्यम में स्थित विलगित गोली चालक की धारिता तथा उसी विलगित गोली चालक को वायु अथवा निर्वात में जब स्थित हो तब उसकी धारिता का अनुपात जो है उस परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है।